अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, राबिया विलेज फूड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बच्चों के फरमाइश पे बन रहा है कीमा। ये मशीन पहले मैंने फिट की थी वहाँ पर पट्टी पर, लेकिन ये मुझसे टूट गई है। ये देखिए, ये सारी एकदम से टूटी है, मैंने टाइट किए तो हमने लगाया पाकिस्तानी जुगाड़, इसे यहाँ पर बांध दी तो कीमा बना रहे। हमारे यहाँ पर मैं बता दूँ कि गोश्त मिलेगा आपको, कीमा नहीं मिलेगा हमारे इलाके में बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर कोई पकाता ही नहीं है और ना ही किसी के पास मशीन है, तो हमें घर में ही कीमा बनाना पड़ता है। पहले मैं निकालूंगी इसमें से ये आलू, क्योंकि इसका जंग वगैरह जो भी होगा ये आलू निकाल लेगा। उसके बाद फिर मैं बीफ निकालूंगी इसमें से। माशाल्लाह से बड़ी मेहनत के बाद कीमा हमारा बन गया। मैंने यहाँ से गोश्त इसके अंदर डाला है, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ बन गया है। बच्चों की ख्वाहिश अरमान पूरे हो गए, ये देखें माशाल्लाह से। इसकी छुरी वगैरह निकालेंगे, ये आगे इसकी छुरी। बीफ फंसा हुआ था इसके अंदर। सबसे पहले हम बना लेंगे मसाला सारा। प्याज काटेंगे, टमाटर काटेंगे, लहसुन अदरक काट के छील कर और पीसेंगे। किराची में तो जब दिल करता था हम लोग कीमा ले आते थे बनवा कर, और आज मेरे बच्चों की भी ईद होगी क्योंकि किराची में खाते रहते थे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे कीमा खा रहे हैं। प्याज हम काटेंगे बारीक बारीक ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए और जले भी ना। घी हमारा माशाल्लाह से गर्म हो गया ऑयल, इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज हमारे लाइट ब्राउन होएंगे तो हम इसमें सारा कीमा डाल देंगे, क्योंकि हमने चढ़ाना इसे वैसे ही जैसे हम बीफ चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम प्याज ब्राउन करके चढ़ाएंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हम लहसुन अदरक कूट लेते हैं। अभी यहाँ पर रोटियाँ बना रही है, एक तरफ हंडिया तैयार हो जाएगी, एक तरफ रोटियाँ गर्म गर्म दोनों चीज़ें होंगी और मज़ा ही आ जाएगा। आज लस्सी नहीं मिली, मैं सबको भेजा था मैंने मामू की तरफ लस्सी लेने के लिए, लस्सी आज बिल्कुल नहीं मिली क्योंकि लेट पहुँचे। फ्रिज में रखी है थोड़ी सी लस्सी, हम उसी के साथ कीमा और रोटी खाएंगे लस्सी के साथ और धूप में बैठ के, क्योंकि कल का सारा दिन बारिश रहेगी। आज बारिश नहीं, आज माशाल्लाह से धूप अच्छी है, लेकिन ऊपर हल्के हल्के बादल हैं। लहसुन अदरक हमने कूट लिया था, इसे हम प्याज में डालेंगे ताकि इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए, हल्के डलडले कर लिए हमने, और इसमें डालेंगे हम अभी कीमा। कीमे को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। आज हम बनाएंगे फ्राई मटर कीमा। फ्राई मटर कीमा इस तरह से बनता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे कीमे को इसी के अंदर। टमाटर ऐड कर देंगे हम इसमें, टमाटर डाल के हम इसे
थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कीमा पहले भुना है। इसमें हम सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे दम पर रखेंगे ताकि हमारे टमाटरों का पेस्ट अच्छी तरह से घुल जाए और सारे प्याज टमाटर सब अच्छी तरह से घुल जाए और कीमा हमारे भुनाई पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, क्योंकि कीमा गलने में देर नहीं लगती। ये जो मैंने साथ में हड्डियाँ डाली है ना, ये गलने में देर लगेगी। डेढ़ चमचे डालेंगे धनिया पाउडर, धनिया मेरा घर का पिसा है। दो चमचे डालेंगे लाल मिर्चें, आप जितनी भी खाते हैं आप उसके मुताबिक डाल लेंगे, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा सा चटपटा खाते हैं। नमक हंस पे जायका डालूंगी, क्योंकि मैंने लहसुन कूटने में भी लहसुन नमक डाला था। आधी चमची हल्दी, कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं था, देखे बिल्कुल खुश्क हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे दम पे छोड़ेंगे। एक गिलास डाला हमने इसमें पानी, थोड़ा सा और डालेंगे, हाफ से भी हाफ। कवर कर दिया हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसे कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें डालेंगे फिर मटर। और आज मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि देसी जो हमने मटर कीमा बनाना है ना विलेज के लिहाज से, और भुना हुआ मटर कीमा, उसमें थोड़ा सा मक्खन लाजमी जाता है। यहाँ से मैं ये सारा सामान स्किप कर दूंगी। माशाल्लाह से कीमा में रख कर गई थी धनिया काटने के लिए, कीमा हमारा भुनवाई पे आ गया, देखें अच्छे से। माशाल्लाह से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया इसका। इसमें डालेंगे हम मटर, तो वाला कीमा ज़्यादा मटर होना चाहिए। मशीन का कीमा था बहुत बारीक, गलने में इसने देर नहीं ली, जल्दी गल गया। अब हम इसमें मटर गलाएंगे, डालेंगे हम उतना ही पानी कि जिसमें मटर गल जाए, ज़्यादा शरबे वाला हम कीमा नहीं बनाएंगे। दो गिलास हमने इसमें पानी डाले, आधा गिलास हम और डालेंगे, क्योंकि आग तेज़ है, मटर भी नरम है, जल्दी गल जाएंगे, पानी खुश्क होने का डर होता है। बस हम इसे कर देंगे कवर।
है हमारे पास मक्खन घर का जो मैंने बना के रखा हुआ। अभी इसके मैंने घी नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है। कल परसों मैं इसका घी बनाऊंगी, थोड़ा सा बचा लूँगी इसमें से मक्खन ठंडिया के लिए, रोटियों के लिए। बहुत सख्त होया हुआ था, थोड़ा सा हमने काट लिया, थोड़ा सा और काटेंगे इसी। माशाल्लाह से कीमा हमारा तैयार हो गया। यह धनिया काट के हमने वॉश कर लिया था इसे अच्छे तरीके से। अभी हम डालेंगे धनिया से। कीमे से सारा पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क कीमा हो गया हमारा। इसमें से हम अब लकड़ियाँ निकाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि जो हमने मक्खन डाला उसकी खुशबू बाहर ना निकले और मक्खन भी अच्छी तरह से घुल जाए और कीमा भी अच्छी तरह से सही हो जाए, गरम धनिया वगैरह भी घुल जाए इसमें। फिर करेंगे इसे हम डिश आउट। माशाल्लाह से मज़ेदार देसी मक्खन के साथ हमने कीमा बनाया और बहुत ही उम्दा लजीज बनाया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे करेंगे हम डिश आउट। मज़ेदार सा भुनवा कीमा हमारा तैयार है, रेडी है मक्खन के साथ। बहुत ही लजीज और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई करते रहो ताकि मैं अच्छी अच्छी से विलेज रेसिपी आपके लिए देती आऊँ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं इसी तरह से आपके लिए रंग बिरंगी रेसिपी लेकर आऊँगी, विलेज रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेंगे। मेरे आने वाले नए प्यारे प्यारे बहन भाई वीडियो देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ लेंगे हम आपसे इजाज़त के जहाँ रहे हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अपने फैमिली के साथ ये डिश ज़रूर शेयर कीजिएगा, बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।